अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चांदबाट कश्मीर मोबाइल से। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओप्पो के सेकंड हैंड फ़ोन। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना दोस्तों। आज जो मेरे पास सेकंड हैंड स्टॉक मौजूद है ओप्पो में, उसमें सबसे पहले आता है ओप्पो का रिनो 3 प्रो, उसके बाद ओप्पो का रिनो 3, उसके अलावा ओप्पो का F17, उसके अलावा ओप्पो का A9 2020, उसके अलावा ओप्पो का A31। दोस्तों सबसे पहले हम ओप्पो के रिनो 3 प्रो की बात करते हैं। दोस्तों मेरे पास ओप्पो का रिनो 3 साफ़ कंडीशन में मौजूद है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन नहीं, तो हल्का सा रफ है, 9/10 इसको कहते हैं कंडीशन को। दोस्तों इसकी अगर रैम और मेमोरी की बात करें तो 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी में ये अवेलेबल है मेरे पास। कंडीशन इसकी 9/10 है। बाकी फ़ोन की बात करें तो बिल्कुल ओके फ़ोन है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर इसकी पिन पैक प्राइस की बात करें तो 60,000 इसकी पिन पैक प्राइस है और मुझसे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 38,000 का मिलेगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओप्पो के रिनो 3 की। जी दोस्तों रिनो 3 मेरे पास 9/10 कंडीशन में है, लेकिन बिल्कुल साफ़ नहीं है। दोस्तों जैसा कि कंडीशन में आपने देख लिया, मैंने पहले दिखा दिया हुआ है, फ़ोन के साथ डिब्बा चार्जर सब कुछ है। रिनो 3 प्रो के साथ भी डिब्बा चार्जर है, इसके साथ भी डिब्बा चार्जर है। अगर इसकी रैम और मेमोरी की बात करें तो 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी में अवेलेबल है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन स्क्रीन, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये फ़ोन मौजूद है। अगर इसकी सेकेंड हैंड प्राइस की बात करें सिर्फ़ और सिर्फ 32,500 का आपको मिलेगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओप्पो के F17 की। ओप्पो का F17 दोस्तों बहुत ही लाइट वेट फ़ोन है। अगर दोस्तों इसकी कंडीशन की बात करें तो साफ़ सुथरी कंडीशन में ये मेरे पास अवेलेबल है, जैसा कि कंडीशन में दिखा दिया गया है। बाकी फ़ोन सारा साफ़ सुथरा है दोस्तों, डिब्बा चार्जर साथ है, इन स्क्रीन, फिंगरप्रिंट सेंसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ दोस्तों आता है। बहुत ही लाइट वेट और प्यारा फ़ोन है। अगर इसकी पिन पैक प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में 38,000 का पिन पैक हो गया, 40,000 का था, 2,000 का प्राइस लगा है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास सेकंड हैंड कंडीशन में मौजूद है, लेकिन साफ़ कंडीशन में मौजूद है। ये जस्ट रुपीज़ आपको 29,000 का मिलेगा। फ़ोन में कोई फॉल्ट नहीं होगा, डिब्बा चार्जर साथ होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओप्पो के A9 2020 की। A9 2020 दोस्तों मेरे पास 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी में अवेलेबल है। कलर बहुत ही प्यारे में मौजूद है मेरे पास। कंडीशन इसकी 8/10 है, जैसा कि कंडीशन में दिखा दिया गया। फ़ोन के साथ डिब्बा, साथ चार्जर अवेलेबल है, 8 GB रैम, 128 GB मेमोरी, IPS डिस्प्ले के साथ है। बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है। दोस्तों अगर इसकी पिन पैक की प्राइस की बात करें तो ये पिन पैक आना बंद हो गया मेरे ख्याल से, 38,000 तक बंद हुआ है। ये आपको सेकंड हैंड प्राइस में दोस्तों मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 24,000 का, 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी में डब्बे चार्जर के साथ। फ़ोन में कोई फॉल्ट नहीं होगा, ओके होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओप्पो के A31 की। दोस्तों ओप्पो का A31 मेरे पास साफ़ कंडीशन में मौजूद है, हल्का थोड़ा सा रफ है। और अगर इसकी रैम और मेमोरी की बात करें तो दोस्तों ये 4 GB रैम और 128 GB मेमोरी में आता है। फ़ोन की कंडीशन साफ़ है, IPS डिस्प्ले है, बैक पे फिंगरप्रिंट है, बैक पे 3 कैमरे हैं। और इसकी अगर पिन पैक की प्राइस की बात करें, पाकिस्तानी मार्केट में दोस्तों 30,000 का लॉन्च हुआ था और अब आना बंद हो गया। ये जस्ट रुपीज़ आपको 20,000 का मिलेगा। कम्प्लीट ओके साफ़ सुथरा फ़ोन है। अगर किसी दोस्त को फ़ोन चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फ़ोन डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो पैसे पहले पे करने होंगे। अभी तक कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन मैंने नहीं किया, इंशाल्लाह ताला जल्दी कैश ऑन डिलीवरी वाला किया जाएगा तो आपको और ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तो जिस दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।